अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, रेणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है बीज बचाओ आंदोलन से, मेहती आंदोलन से, चिपको आंदोलन से या नशाबंदी से। तो इसका सही आंसर है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए किया गया एक आंदोलन था। चमोली उत्तराखंड का एक जिला है और श्रीमती गौरा देवी जी का संबंध उत्तराखंड से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन है गेहूं, सोयाबीन, चावल या दही। सही आंसर है सोयाबीन। गेहूं और चावल कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं में से किससे महात्मा गांधी का संबंध नहीं है। सही आंसर है विश्व भारती। साबरमती आश्रम गुजरात में है, ये भी गांधी जी द्वारा स्थापित है। फिनिक्स आश्रम गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1892-93 ईस्वी में गए और 1915 तक वो वहीं रहे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दोबारा भारत आए और इस दिवस को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र में है, ये भी गांधी जी से संबंधित है। फिनिक्स आश्रम से गांधी जी ने एक पत्रिका भी निकाली जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। विश्व भारती का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के एक जाने माने लेखक हैं। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। एशिया में सबसे पहले इन्हें ही नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने। ऑप्शन है बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक, विष्णुगुप्त। सही आंसर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे थे अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी। इनके गुरु का नाम था चाणक्य और चाणक्य ने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किस लेखक की कृति है। इसका सही आंसर है विशाखदत्त। शूद्रक ने लिखा है आपका मृच्छकटिकम। बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित। चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। ऑप्शन है अधिक उपज देने वाले बीजों से, गेहूं के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से या जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। सही आंसर है अधिक उपज देने वाले बीजों से। हरित क्रांति का उद्देश्य था अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी करना। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एमएस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र लिया गया। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया। ऋग्वेद में 1 से 10 मंडल हैं। वेदों की संख्या 4 है, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा सामवेद। उपनिषद, एक उपनिषद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते, जो कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 दिसंबर, 5 जून, 7 अप्रैल या 8 सितंबर को। सही आंसर है इसका डी, 8 सितंबर। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। सही आंसर है राष्ट्रपति। वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। ये हमारे 25वें चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनकी कार्यकाल होता है 65 वर्ष या 6 साल, जो भी पहले आ जाए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कराची में,
उस कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, क्योंकि लोगों का यह मानना था कि गांधी जी चाहते तो वो उन्हें बचा सकते थे, क्योंकि इससे कुछ समय पहले ही 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, और इस समझौते के दौरान गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसी के विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों ने गांधी जी को कराची अधिवेशन में काले झंडे दिखाए। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त कराने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी मुगल शासक अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक से अनुरोध कर सती प्रथा को बंद करवाया। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, प्रथम गवर्नर जनरल, और सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के साथ साथ ठगी प्रथा पर भी रोक लगाई। केशव चंद्र सेन का संबंध आदि ब्रह्म समाज से है, ये आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह वो महिलाओं के अधिकारों की बात करी। विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये एक्ट लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अरविंद घोष एक फिलोसोफर, पोएट और इंडियन नेशनलिस्ट थे। इनकी दो फेमस बुक है जो पूछी जाती है, पहली है द लाइफ डिवाइन और दूसरी है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। अगला प्रश्न है, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? जिस समय तेलंगाना भारत का राज्य बना उस समय वो भारत का 29वां राज्य था, अभी वो भारत का 28वां राज्य है। तो इसका फिलहाल सही ऑप्शन आपका सी होगा, 29वां राज्य। अभी हमारे जो राज्य हैं वो हैं 28 और यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी 8। दो नई यूनियन टेरिटरीज बनी थी जब 370 हटाया गया, और 370 आपका हटाया गया 5 अगस्त 2019 को। ये जो 370 आर्टिकल है ये जम्मू कश्मीर को कुछ विशेषताएं प्रदान करता था, कुछ विशेष अधिकार देता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो आपकी नई यूनियन टेरिटरीज बनी। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या है? इसका सही आंसर है जय संहिता। महाभारत लिखी है वेदव्यास ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो साइमन कमीशन आया आपका 1928 ईस्वी में, इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, और इसका विरोध किया गया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 एडी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, और माल्य मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। तो सबसे पहला हो गया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद माल्य मिंटो सुधार, उसके बाद साइमन कमीशन, और दूसरा हो गया आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह है इसका सही क्रम। अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की इकाई निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है हरिद्वार। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है सी, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में कुछ अन्य मुख्य पद भी थे, जैसे कि आपका मीर बख्शी सेना का अधिकारी हुआ करता था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, और एक होता था आपका दरोगा ए डाक डाक निरीक्षक हुआ करता था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगर आप INC से जुड़े सभी प्रश्न को पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे वीडियो लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रेपो दर, बैंक दर, विपरीत रेपो दर या तत्काल दर। तो इसे कहा जाता है रेपो दर,
रिवर्स रेपो दर वो होती है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई को अपने बचे अधिशेष धन को जमा करते हैं और ब्याज दर अर्जित करते हैं। अभी जो रेपो रेट चल रहा है वो है आपका 5.990% और जो रिवर्स रेपो रेट है वो है आपका 3.35। और बैंक रेट होता है जिस दर पर केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को सामान्यतः बहुत कम अवधि के लिए पैसे उधार देता है या ऋण के रूप में देता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन है कोयम्बटूर, बेंगलुरु, चेन्नई या मदुरई। इसका सही आंसर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। मैनचेस्टर एक जगह है जो कि इंग्लैंड में है। इसे पहली औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं और ये मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है वस्त्र उद्योग के कारण। यहाँ का जो वस्त्र उद्योग है बहुत उन्नत है इसीलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है बी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी या अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। कई और समितियां भी बनाई गई थी जैसे कि प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे बी.आर. अंबेडकर और आपकी मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 44वें संशोधन द्वारा, 42वें, 52वें या 25वें। इसका सही ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है और 25वां संविधान संशोधन राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है। ऑप्शन है जी.सी. मुर्मू, राजीव महर्षि, विनोद राय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जी.सी. मुर्मू। इनका पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू और ये 2020 से भारत के कैग हैं। कैग की जो कार्यकाल की अवधि है वो या तो 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले आए, और कैग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें जनता भाग नहीं लेती है। इसमें एक निर्वाचक मंडल का गठन होता है जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करती है। इसका सही आंसर है राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान परिषदों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अन्य तीन लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है। इसका सही आंसर है रिहंद बांध में। ये जो चंबल परियोजना है ये आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और ये चंबल नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना आपकी उत्तराखंड से संबंधित है और ये भागीरथी व भिलंगना संगम पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी है और ये ओडिशा राज्य में है। ये जो रिहंद बांध परियोजना है ये आपकी सोनभद्र में है, यूपी। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसका सही आंसर है ब्रासीलिया। ये ब्राजीलिया लिखा है, गलत है, ब्रासीलिया होगा। तो अभी जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ वो हुआ 14वां शिखर सम्मेलन जो कि चाइना में हुआ, और ये चाइना में हुआ 15वां शिखर सम्मेलन होगा साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स जो है आपका, ब्रिक्स स्टैंड करता है बी मतलब ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी आपका चाइना और एस हो गया आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, इससे पहले ये ब्रिक था। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई में और इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 2009 में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है।
विनय पिटक में, अभिधम पिटक में या सुप्त पिटक में? इसका सही आंसर है अभिधम पिटक। विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुप्त पिटक, ये तीनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है और इन्हें संकलित रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। सुप्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं, विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं और अभिधम पिटक में बुद्ध के सिद्धांतों, उपदेशों व बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। सुत्त पिटक के जो रचयिता है वो है आपके आनंद, विनय पिटक के रचयिता है आपके उपाली और अभिधम्म पिटक के रचयिता है आपके मोगली पुत्र तिस्य। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना करी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम था माया देवी और इनकी बौसी थी प्रजापति गौतमी। इनके जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इनकी जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी होते हैं। त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई? इसकी शुरुआत हुई वुहान से। भारत में कोरोना वायरस का पहला जो संक्रमण देखने को मिला वो मिला केरल में 30 जनवरी 2020 को। पहला लॉकडाउन लगा था 24 मार्च को, 24 मार्च 2021 को, 21 दिनों के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ष के प्रारंभ से अंत तक होने वाले टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं का आयोजन का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें जो ग्रैंड स्लैम होता है इसका सही आंसर है आपका ए। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में होता है, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, ये आपके जून में होता है, फिर विंबलडन होता है जुलाई में, और अमेरिकी ओपन या यूएस ओपन भी कहते हैं इसे, वो होता है आपका अगस्त सितंबर में। अभी जो आपका 2022 के, ये जो तीन है ये तो 2022 के ही पूछे जाएंगे क्योंकि अभी तक ये बाकी आपकी जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है वो नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया है इस साल का 2023 का, जिसके विजेता मेल में थे नोवाक जोकोविक और फीमेल विजेता थी एरियाना सबलैंका। नोवाक जोकोविक आपके सर्बिया के हैं और आर्यन सबलैंका आपकी बेलारूस की है। फ्रेंच ओपन 2022 का जीता था, 2022 इसमें मेल जो थे जिन्होंने जीता था फ्रेंच ओपन वो थे राफेल नडाल, राफेल नडाल आपके स्पेन के हैं, और फीमेल में जीता था फ्रेंच ओपन जीता था ईगा स्वांतिक ने, ये पोलैंड की है। विमल्डन जीता था आपका 2022 का मेल में नोवाक जोकोविक और फीमेल एलेना रूबिकीना, और अमेरिकन ओपन यानी यूएस ओपन जीता था 2022 के हैं ये मेल कार्लोस एल्कराजा ग्रेफिया, ये स्पेन के हैं, और फीमेल विनर थी यूएस ओपन की ईगा स्वेटेक। ठीक है, जो विमर्डन में ये ई रूबिनिका है, ये पहले ये इन्होंने रूस के लिए खेलती थी, अब ये कजाकिस्तान के लिए खेलती है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की सीमाओं से लगता है। सबसे छोटी सीमा है, स्थलीय सीमा है हमारी अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान से केवल एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जुड़ती है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा, ये ओडिशा की महानदी पर स्थित है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।